A very good afternoon to all of you. Farmer protests, they have been started in the states of Punjab and Haryana and all over India. There are three ordinances that were being presented in the parliament. जब ये ordinance दोनों ही सदनों में pass हो जाएंगे राज्यसभा और लोकसभा then it will become a law. And after that, the provisions which will be made after these ordinances, ये तीनों ही ordinances they are related with the farmers' life. Mainly, ये government of India, बीजेपी की सरकार है, इस government के द्वारा ही NDA government के द्वारा ही ordinances pass किए गए हैं, पेश किए गए हैं. इनके supporters में और इनका विरोध भी हो रहा है. Congress party and the political organizations, they are opposing this bill on various issues. सो मैं दोनों ही पॉइंट्स डिस्कस करूंगी. पहला बिल है दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी बिल, APMC बिल है. इस बिल के अकॉर्डिंगली किसान मंडी से बाहर जाकर उपज बेच सकेगा. लेकिन जो इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और वो उसके सपोर्टर्स सपोर्ट में किसान खड़े हुए हैं, उनका ये कहना है जो इनमें सुविधाएं दी गई हैं, जो सपोर्टर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर जाकर भी अपनी उपज बेच सकेगा, दूसरे राज्य में जाकर भी अपनी उपज बेच सकेगा और ऑनलाइन तरीके से भी अपनी उपज को बेचने में पूरी पूरी छूट दी जाएगी किसान को. ऑन द अदर हैंड, दोज हु आर अपोजिंग इट, दे आर सेइंग दैट MSP मिनिमम सपोर्टिव प्राइस that will be ended by the government. Government जो न्यूनतम समर्थन प्राइस है जो कि फार्मर को मिल रहा है वो भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा. मंडी फीस के तौर पर सरकार की कमाई पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी. कमीशन एजेंट का काम भी ख़त्म हो जाएगा और आड़ती और बिचौलिए जो हैं उनका रोल एकदम निल हो जाएगा, उनका कोई भी काम नहीं रह जाएगा. सो विरोध करने वाले ये कहते हैं कि जो MSP है उससे भी कम हमें प्राइसेस मिलेंगे. द नेक्स्ट इज नेक्स्ट बिल इज योर फार्मिंग ऑन कंट्रैक्ट बिल. कंट्रैक्ट बिल पर ठेके पर आधारित जो बिल है उसमें ये प्रावधान होगा कि किसान सीधे तौर पर किसी कंपनी से कंट्रैक्ट कर सकेंगे और उसका सारा का सारा प्रोड्यूस जो है वही कंपनी खरीदेगी. छोटे और सीमांत किसान जो सीमावर्ती एरिया में रहते हैं और 5 एकड़ से कम वाले एरियाज कम वाले खेतों के मालिक हैं उनको भी पूरी छूट दी जाएगी. और नई टेक्नोलॉजी मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा किसानों को प्रोवाइड की जाएगी. लेकिन इसका विरोध किसान इस आधार पर करते हैं कि हो सकता है कि अगर आढ़तियों और बिचौलियों को हटाकर सीधे कंपनी के साथ ही किसान का लेन देन शुरू हो गया तो कंपनियां ही किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करने में पूरी पूरी कोशिश करेंगी और इस डील का फ़ायदा सिर्फ बड़े किसानों को होगा, छोटे और सीमांत किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो लेकिन अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता है, मान लो किसी किसान को टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती उसकी उपज की, तो वो SDM वगैरह के साथ SDM के पास जाकर आढ़तीय के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवा सकता है. लेकिन अगर बड़ी कंपनियां मार्केट में आ गई तो किसान हमेशा ही कानूनी विवादों में घिरा रहेगा और एक तरह का जो स्मूथ फंक्शनिंग है वह नहीं रहेगी. यह इसका विरोध करने वालों का तर्क है, उनकी दलील है कि बड़ी कंपनियां शोषण करना शुरू कर देंगी और छोटे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ बड़े किसानों को फ़ायदा होगा और कानूनी विवादों में हमेशा ही किसान घिरा रहेगा. एक एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल जो है 1955 में पास किया गया था और आज उसमें अमेंडमेंट सितंबर मंथ में उसमें अमेंडमेंट करने का प्रावधान किया गया है. इसके अंतर्गत अनाज, दालें, प्याज, आलू इस कानून से बाहर होंगे, अर्थात किसान और व्यापारी इसका भंडारण कर सकेंगे. लेकिन ऐसी भी आशंका जताई जा रही है विरोध करने वालों के द्वारा कि प्याज, आलू, इन सभी की पल्सेस की दालों की जमाखोरी का संकट और ज़्यादा बढ़ेगा, कंपनियां माल
स्टॉक करके, भंडार जमाखोरी करके और ज़्यादा मुनाफा करने की कोशिश करेंगी। पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने 2014 और 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन सभी बिल्स की चर्चा की थी और कहा था कि अगर हम सरकार में आ गए तो यह बिल ज़रूर पास करेंगे, लेकिन आज जब यही बिल एनडीए द्वारा लेकर आया जा रहा है, ऑर्डिनेंसेस पास किए गए हैं, पेश किए गए हैं पार्लियामेंट में और यह एक लॉ के रूप में बनने में तैयार हो गया है, तो फिर वह इसका विरोध कर रहे हैं। मेनली जो किसान इसका विरोध कर रहे हैं, दे आर सपोर्टेड बाय द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और वह उनके मन में यह आशंका है कि ये अगर ऑर्डिनेंसेस पास हो जाते हैं तो एमएसपी का सिस्टम हटाया जा सकेगा, एमएनसीज हो सकता है कि किसानों का और ज़्यादा शोषण करें, जमाखोरी का खतरा, इन्फ्लेशन या फिर महंगाई का खतरा और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। दिस इज़ ऑल विद दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।